थे ना, तो हमको अगर कोई पूछता था ना कि टॉप बेस्ट प्लेयर कौन है, तो हम लोग भी स्काउट को ही टैग करके बोलते थे, हम लोग दिल से बोलते थे वो चीज, हम लोग दिखाने के लिए नहीं बोलते थे। टेक्सा गेमिंग क्या सीन है तन्मय के साथ यार? अच्छा सीन है यार, क्या और क्या सीन होने सकता है। होती है बातचीत, होते रहती है, बस थोड़ा सा वही है ना कि लास्ट टाइम मैंने जो स्टोरीज डाली थी सिंपल चीजें सुधारने के लिए डाली थी, और वो सुधर गया है अभी, अभी नहीं करता है वो सारी चीजें। बीच में उस विक्सी के साथ भी उसका सीन हुआ था, उसने वो प्यार मोहब्बत से बात करके वो सारी चीजें सॉल्व कर ली। हम भी वही चाहते हैं यार, हमको नहीं चाहिए किसी के साथ झगड़ा, हम लोग नहीं करते, हम लोग किसी को जाके पोक नहीं करते, हमको नहीं करना ये सारी चीजें, सिंपल चीज है, हमको भी खुश रहना है। हम भी जब नए नए आए थे ना, तो हमको अगर कोई पूछता था ना कि टॉप बेस्ट प्लेयर कौन है, तो हम लोग भी स्काउट को ही टैग करके बोलते थे, हम लोग दिल से बोलते थे वो चीज, हम लोग दिखाने के लिए नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारा प्यार है उसके लिए उतना। तन्मय एक टाइम था, थोड़ा सा बीच में ऐसा टाइम आया था ना, तन्मय अलग हो गया था और एक स्काउट अलग हो गया था, तो अभी एक हो रहा है, मतलब वो फिर से कॉम्बिनेशन आ रहा है दोनों का, और उसमें भी वो स्लोली स्लोली मैच्योरिटी आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है स्लोली स्लोली, और आने वाले टीम में सुधरेगा। मतलब ये यही चेंज चाहिए यार, मतलब एक दूसरे को गिराओ मत, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो, इंडियन स्पोर्ट्स मेहनत बढ़ना चाहिए आगे, लोगों की गांड फटनी चाहिए इंडियन टीम्स के आगे, कि आने वाले टाइम में अपनी इंडियन टीम अगर बाहर जाएगी ना, तो लोगों की फटनी चाहिए, मेहनत बोलना चाहिए ये साले बहुत खतरनाक खेलते। हम लोग जब मलेशिया गए थे ना, तो इंडियन टीम उनको लगता था ये क्या यार इंडियन टीम से, इनको तो ऐसे बॉट जैसे मार देंगे इन लोगों को, लेकिन उनको दिखाया फिर उनको समझ गया मेहनत मारते हैं।